मोले नाले के समस्या है, मोर नाती नतर जाते हैं, कभी बह गई कभी कच्छू हो गए, तो हमारे नाती नतरन के नुकसान है। अभी बच्चे नहीं जा रही ने पढ़ेला, बंद कर देना पानी के वजह से, पूरा के वजह से। शिकायत नहीं करे कहीं? अब शिकायत तो कब ले कर नहीं, सुनाई चीज नहीं, कोई बनाए ला ध्यान नहीं दे, तो हम का कर ले। हम अब मैं यही नाला भुरभुरिया बन जाए यही चाहता, हम कुछ नहीं चाहन, हम गरीब आदमी हन, कोई भी तरह से जीथन खाथन, हमारा नाला बन जाए बस भुरभुरिया। वनांचल क्षेत्र में निवास करने वाले आदिवासियों के लिए योजनाओं के नाम पर शासन द्वारा करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, बावजूद इसके अब भी वनांचल क्षेत्र के टोला और बस्तियों में रहने वाले ग्रामीण आदिवासियों को मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत सीताडोंगरी के मदनपुर से एक तस्वीर सामने आई है। यहां पर निवास करने वाले आदिवासी आज भी सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को एम्बुलेंस का लाभ नहीं मिल पा रहा है, लिहाजा ग्रामीण खाट पर प्रसूता को पुल पार कराते हैं। समस्या नाला भुरभुरिया नाला का समस्या है। किस प्रकार की समस्या हो रही है आपको नाला से? नाला में चलने से दिक्कत होता है, स्कूल से बच्चे आते हैं तो उनको नाकने से दिक्कत होता है, कोई डिलीवरी पीरियड में आने वाले हैं उनको दिक्कत होता है बाड़ा जाने से, ये सभी परेशानी के वजह से भुरभुरिया नाला बनना चाहिए। किसी को इन समस्याओं को लेकर किसी को आपने आवेदन निवेदन किया है? हाँ, आवेदन निवेदन किया है ग्राम सभा में, ग्राम सभा में, गांव में, सब में। क्या कहते हैं? बनेगा बनेगा करके कहते हैं पर बनता नहीं। आपके सरपंच क्या बोलते हैं? सरपंच भी बोलते हैं बनेगा बनेगा करके पर नहीं बन पाता। क्या चाहते हैं? तो बनाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं। बता दें कि नाले में बाढ़ जैसी स्थिति होने के कारण यहाँ के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। नाले में पानी का बहाव अधिक होने पर गर्भवती महिलाओं व तबीयत खराब होने पर ग्रामीणों को खाट में बिठाकर या पीठ पर लाद कर नाला पार कराते हुए अस्पताल पहुँचाया जाता है। वहीं नाले की वजह से गांव के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका नहीं लगता है। हम है करण तेकम, जनपद सदस्य, जनपद पंचायत परसवाड़ा, क्षेत्र क्रमांक 13। क्या कारण है इतने सारे लोग आज यहां पर मौजूद हैं और लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर यहां आए हैं, किस तरह की समस्याएं? कारण बहुत ही विकट है, आप सभी लोगों के सामने है और ये चीजें छुपाई नहीं जा सकती है, क्योंकि जो विकट समस्या है, जो बरसाती नाला जिसको कहा जाए, ये लगातार अनवरत रूप से 6 महीने बहता है और ये जो 4 महीने बारिश काल का जो होता है, यहाँ पर बाढ़ हो जाने की वजह से हमारे जो टोला बसाहट के जो बच्चे हैं, उच्च शिक्षा जो ग्रहण करना चाहते हैं कॉलेज और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल की, वो बच्चे 4 महीने की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस तरह का देश में हम जहाँ निवास कर रहे हैं और जहाँ पर आदिवासी क्षेत्र में बढ़ावा की बात की जा रही है, सरकार अनेक प्रकार की योजनाएँ लेके आ रही है, किंतु वो योजनाएँ कहाँ सिमट जाती हमें पता नहीं चल रहा है। ये बहुत ही विकट परिस्थिति के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। मैं और हम सब मिलकर ये चाहते हैं कि लगातार कितने सालों से हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ना सरकार जाग रही है, ना क्षेत्रीय जो हमारे विधायक हैं या सांसद हैं, वो भी इस तरफ कोई किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारा अगला प्रयास ये है कि आज हम पूरे ग्रामीण जन के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं, इस समस्या से अवगत कराने मीडिया के माध्यम से हम चाहते हैं कि ये संदेश सरकार तक जाए और सरकार की नींद खुले। अगर सरकार इसके बावजूद भी नहीं जागेगी तो मेरा प्रयास रहेगा, सरपंच साहब रहेंगे सारे ग्रामीणों के साथ, मैं 15 दिन के अंदर अगर प्रशासन के द्वारा कोई रणनीति या कदम नहीं उठाया जाता है तो मैं यही टेंट लगा के सारे ग्रामीणों के साथ यहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम मदनपुर के पास पुलिया के निर्माण न होने से बारिश के दिनों में प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला दोनों ग्रामों के पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं एक दूसरे गांव में प्रवेश नहीं कर पाते, जिससे सबसे अधिक नुकसान हमारे बच्चों का हो रहा है। यहां पर पुल निर्माण को लेकर शासन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन अब तक न सड़क बनी और न ही पुल का निर्माण हो पाया है।
पुल निर्माण को लेकर आरआईएस के इंजीनियर और एसडीओ ने यहां सर्वे तक किया है। पूर्व में इस नाले पर भूमि पूजन तक किया जा चुका है, बावजूद इसके अब तक निर्माण नहीं हो सका है। जी, मैं इस गांव मदनपुर की आशा कार्यकर्ता प्रमिला कटरे हूं और मेरा यहां मैंने 18-19 साल हो गया मैं यहां कार्य कर रही हूं। मेरे सर मेरे को यानी यहाँ समस्या है कि जैसे रात को डिलीवरी केस आते हैं तो नदी के कारण मैं नहीं जा पाती। बारिश के समय तो ज़्यादातर मैं यानी डिलीवरी केस ये नहीं कर पाती, घर पे हो जाती हैं कभी तो। और क्या है, मेरे जो गांव के बच्चे हैं वो टीकाकरण से वंचित हो जाते हैं क्योंकि इस साइड से उस साइड नहीं आ पाते। और क्या है कि और स्कूल के बच्चे हैं ये इन लोग भी स्कूल नहीं जा पाते और मैं बहुत स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रहती हूँ। ये मेरी समस्या है और मेरे को ये चाहिए कि पुलिया बनना चाहिए। ये सबसे उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लेके जाते हैं बैहर एक हाँ एक जैसे अपने पास खुद की सुविधा है तो हाँ हाँ ये सर उनको तो फिर वही है फिर गोद में लेके जाओ गाड़ी तो नहीं जाती ऐसा है। और क्या है फिर वो इलाज के लिए भी नहीं जा पाते फिर वही गांव के डॉक्टर बुलाते हैं और उन्हीं से इलाज करवाते हैं फिर कोई साधन भी नहीं ना हम लोग के लिए। हाँ सर हुआ है एक बार डिलीवरी हो गई थी और यहाँ पे गाड़ी बुलाई थी सभी लोग बताएंगे 10 बजे रात को 8 बजे से 10 बजे तक गाड़ी फंसी थी। गाड़ी फंसने की वजह से डिलीवरी केस वापस आ गया था हमारा और वो डिलीवरी गाड़ी पर हो गई थी। ये परेशानी है हमारी बहुत ज़्यादा। और मैं नौलपुसाम सरपंच ग्राम पंचायत सीता डोंगरी और जो हमारी जो समस्या है जो समस्या आप देखें आपने देख रहे हैं रोड और पुलिया सबसे बड़ी ये समस्या है। हमारे यहाँ आजा दादाओं से जब से जन्म हुई तब से ना रोड बनी है ना ही पुलिया और सबसे बड़ी समस्या हमारी इस पुलिया के लिए रोड की बड़ी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। रोड बन जाएगी बड़ी बात नहीं है। सबसे समस्या यहाँ थी हमारे स्कूली जो बच्चे हैं कॉलेज स्तर के बच्चे हैं कई बार बच्चे ये समझ लीजिए कि 4 से 6 महीने बरसात का जो समय होता है इसमें स्कूल बच्चे नहीं जा सकते हैं। इस तरफ प्राइमरी स्कूल है इस तरफ माध्यमिक स्कूल है इधर प्राइमरी के बच्चे माध्यमिक स्कूल के बच्चे नहीं जा पाते और प्राइमरी के बच्चे प्राइमरी नहीं जा सकते। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या के लिए मैंने जी सर इस समस्या को लेकर मैंने शासन प्रशासन को आरएस विभाग ने पिछले बार आई यहाँ एसडीओ और सब इंजीनियर दोनों आए हमारे सामने नाप किए ये पुलिया बन जाएगी इस गर्मी में 23-24 में चूँकि आज तक नहीं बना। प्रतिनिधियों से भी हमने एक आशा रखा उनने भी आया भूमि पूजन तक किया है। यहाँ मधुभगत ने भूमि पूजन जब पूर्व में सरपंच विधायक थे जब हमारे यहाँ वॉलीबॉल मैच का भव्य कार्यक्रम होता है जिसमें वो समापन के दिन आए थे उन्हें भूमि पूजन किया। नानू कांवरे जी भी आए मंत्री जी भी आए नानू कांवरे मंत्री जी भी आए फिर भी उन्होंने कोई किसी प्रकार की न पुलिया न रोड की समस्या हल कर पाए। विधायक महोदय मधुभगत जी ने जब पूर्व में जब पहले फर्स्ट वर्ष जब विधायक थे तब चूँकि आज तक कुछ नहीं हुआ तो ये यहाँ की समस्या जी यहाँ की समस्या मान लो ये रोड और पुलिया नहीं बनेगी तो अंतिम समय में इसी वर्ष 23-24 के जो चुनाव हो रहा था विधानसभा लोकसभा इसमें लोगों को बहिष्कार करने का एक माहौल तैयार कर लिया गया था कि हम यहाँ की मतदान बहिष्कार ही करेंगे ये इस मतदान में एक भी वोट नहीं डालेंगे क्योंकि हमने समझाया वोट देना बहुत जरूरी है एक बार हम देख लेते हैं अवसर देते हैं हो सकता है उम्मीद की किरणें जागी है तो हो सकता है बन जाए पर अब ऐसा नहीं होगा। रोड पुल पुलिया नहीं बनेगी निश्चित तौर पर आक्रोश जनता है ये बहुत बड़ा आक्रोश और एक बहुत बड़ा वो हाँ आक्रोश प्रदर्शन करेगी और धरना प्रदर्शन करेगी सीधे पहियर से लामता रोड पे। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।